बदायूं लोकसभा से कौन चुनाव जीतेगा ये बदायूं के युवा भी तय करें, और युवाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। कुछ गर्ल्स हैं हमारे साथ जो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करके आए हैं, जरा वोट का निशान दिखा दीजिए। ये देखिए वोट की कीमत और वोट की ताकत इनसे समझिए, और चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बहुत कुछ कह रही है कि मतदान करने को लेकर कितने ये लोग उत्साहित थे। इन्हीं से एक एक करके बात करूंगा। क्या नाम है आपका? आकांक्षा, ये बताइए मुझे क्या सोचकर वोट किया आपने? विकास, यहाँ का विकास हो रहा है और उस हिसाब से हम, जैसे हम अगर वोट नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, और जब हम नहीं देंगे तो हम अपना वो चुनेंगे कैसे, पदाधिकारी कैसे चुनेंगे? जब हम देंगे, हम निकलेंगे बाहर तभी तो देखेंगे, तभी तो विकास देखेंगे, वरना हम कैसे देखेंगे? अच्छा, कैसे देखेंगे? आपने क्या सोचा? वोट देगा तो जो है विकास। अच्छा, पहले ही सोच लिया था कि वोट जरूर करना चाहेंगे? अच्छा, आपने क्या सोचा? वोट देना तो बहुत ज्यादा कंपल्सरी चीज है, और जो हमें मिलता है, मतलब ये हमारा खुद का अधिकार होता है, तो हम खुद से ये चीज चुन सकती है कि तो हमारे नागरिक कैसे होने चाहिए, तभी हमें ये चीज पता चलेगी और यहाँ का तभी विकास हो पाएगा। तभी विकास हो पाएगा। कब सोचा था कि भाई हाँ सुबह ही जाएंगे सब लोग इकट्ठे होकर वोट करेंगे? जी सर, सुबह ही सोचा था। सर पहले से ही जो वोट की डेट फिक्स होती है तभी से ही पता चल जाता है कि हमें वोट डालने जाना ही है। अच्छा, जान अच्छा, बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो यूथ है वो चाहते हैं वोट ही करना चाहते हैं। जी सर, मैं बिल्कुल देना चाहूंगी कि उनको तो वोट डालना जरूरी है, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर हम वोट देंगे तो आगे विकास होगा, और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जब हम अपना देश का नागरिक पता चलता है कि हम अपने देश के नागरिक हैं। अपने देश के नागरिक। अच्छा, आप बताइए कब सोचा था कि वोट करेंगे? इन्होंने बात की, डिसाइड होता है कि हाँ, बताइए ये जिस दिन डिसाइड होता है कि मतलब 7 मई को हमारा वोट पड़ेंगे तो उसी दिन डिसाइड हो गया था कि हाँ आज के दिन तो हमें निकलना ही है। हाँ। और नहीं निकलेंगे तो क्या फायदा हमारा घर से रहने का, क्या फायदा हमारा इस दिन से, कुछ ही फायदा नहीं है। क्या फायदा? अच्छा, आपस में फ्रेंड्स हैं? नहीं, सिस्टर है। अच्छा, तीनों बहने हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि पहले ये सोच लिया था कि 7 मई को वोट करना है। अच्छा अच्छा, ये बताइए यहाँ के लिए मुद्दा क्या है? मतलब जो आपको एक चीज देखा, आपने प्रत्याशी देखा या पार्टी देखी या यहाँ का मुद्दा आपने देखकर वोट किया? पार्टी देखी हमने। हाँ, पार्टी प्रत्याशी दो हैं, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने क्या देखा? उन्होंने तो कह रहे हैं कि प्रत्याशी देखा आपने, पार्टी 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 के साथ है हम लोग, जो भी है, हम जिसके भी साथ है उसी को वोट दे के आए हैं, और बस विकास देख के ही दे रहे हैं वोट, जो भी हो रहा है यहाँ पे अब इस टाइम, जितना अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा आगे चल के, और अच्छा होगा। वोट बोल नहीं सकती मैं किसको देख आई हूँ, लेकिन जिसको देख आई हूँ सच में बहुत खुश हूँ उसको देख के। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत ज्यादा ही खुश हूँ मैं, देख के आई हूँ अपनी पार्टी को वोट, जो भी है एक्स्ट्रा वाला हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि जिनको वोट दिया वही जीतेंगे? अच्छा, क्यों है? अच्छा, विकास हो रहा है। आप बताइए, उन्होंने तो देखिए अपनी बात कह दी है। जी सर, पार्टी के साथ में भी वोट देगा, मुझे पसंद है तो मैंने उन्हीं को ही वोट दिया, मुझे ये चीज पता है कि वो जीतेंगे। अच्छा, वही जीतेंगे। अच्छा, पहले ही मतलब पूरी प्लानिंग थी, और तो नाश्ता वगैरह किया या पहले ही सोचा था वोट करेंगे उसके बाद? पहले वोट करके आएंगे फिर उसके बाद। अच्छा, उसके बाद नाश्ता। आपने भी यही सोचा था? अच्छा, से मदर है आपकी? हाँ आंटी, आज एक बार आपसे भी कर लेता हूँ। आपने तो बहुत अच्छी चीज कही, तीनों बेटियों को लेकर वोट करना है। तीनों बेटियों के साथ, हम दोनों के साथ चलना है आपको, और वोट देंगे। अच्छा, आपने कहा था या खुद इन लोगों? नहीं, खुद। हाँ, बोले मम्मी के साथ जाएंगे, मम्मा के साथ। अच्छा 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 अच्छा, तो ये कह रही है कि इन्होंने खुद ही कहा था कि वे वोट चलेंगे सब? नहीं, हम लोग के यहाँ तो वैसे भी पता होता है कि हाँ आज के दिन तो निकलना ही है वैसे भी। अच्छा अच्छा, हमें आज के दिन निकलना ही है वैसे भी, क्योंकि आज के दिन तो घर में वैसे। आ जाओ जाओ आप लोग भी। अच्छा अच्छा, पहले ही सोच लिया था कि हम। अच्छा, मम्मी ने तो वो नहीं कहा था कि नहीं? हमें स्टार्टिंग से सिखाया है, दादी बाबा के टाइम से भी वोट देना जरूरी है, कंपलसरी है कि नहीं वोट देने तो जाना है, कहीं जाओ नहीं जाओ वोट देने जाना है। यूथ के लिए कोई मैसेज? वोट नहीं देने, घरों से निकलते करते घर में निकलना चाहिए, नहीं निकलेंगे तो फिर बेकार है उनका पढ़ा लिखा होना, बेकार है उनका, क्या फायदा? अच्छा, क्या फायदा? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निकलना चाहिए सबको वोट देने के लिए, ये अपना अधिकार है वोट देने का। अच्छा अच्छा, तो देखिए इस पूरे परिवार की जो कहानी है वो आपने देखी, और इस परिवार की कहानी भी आपने सुनी कि देखिए किस तरीके से गर्ल्स हैं, कह रहे हैं कि पहले ही सोच लिया था जब ये पता लगा था कि 7 मई को वोटिंग होगी, तो तभी ये डिसाइड कर लिया था कि वोट करने जरूर जाएंगे। अब कह रहे हैं कि
कि जो लोग अपने घरों से वोट देने नहीं निकलते हैं वो वोट डालने जरूर आए, 5 साल पछताना पड़ता है उससे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे ही ना जाने कितने युवा हैं जो बदायूं में जीत की कहानी के लिए वोट यहां पर देने आए, किसको वोट दिया ये तो नहीं बताया लेकिन इतना जरूर बताया कि वोट की कीमत समझते हैं, इसीलिए सुबह सोचा कि सबसे पहले वोट डालेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।